सो हे गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू ड्रिंकिंग वीडियो। भाई आज हम लोग रिव्यू करेंगे, एक्चुअली कंपेयर करेंगे टीचर्स वर्सेस ब्लैक एंड व्हाइट। भाई ये मेरा आइडिया नहीं था, ये मेरे एक सब्सक्राइबर का आइडिया था, क्योंकि मैंने ही लास्ट वीडियो में पूछा था कि अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो मुझे एक आइडिया दो। भाई तुम लोग किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। और बहुत लोगों ने लिखा और उनमें से इस भाई का कमेंट पढ़ के ना भाई दिल खुश हो गया। मैं जनरली मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया ये यार, मतलब टीचर्स वर्सेस ब्लैक एंड व्हाइट, स्कॉच वर्सेस स्कॉच, दोनों ही कमाल के स्कॉच है। बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है भाई ने, तो आज वही उसी के ऊपर वीडियो है। वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है क्योंकि हम लोग बहुत सारे डिटेलिंग में बात करेंगे इन दोनों विस्की के बारे में, और थोड़ा सा तो कॉकटेल बनता ही है, कॉकटेल भी बनाएंगे। ठीक है, टेस्ट तो करेंगे, नीट टेस्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद कॉकटेल भी तो बनना है। कॉकटेल के बिना अच्छा लगता है? स्कॉच है और कॉकटेल ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तुमको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट्स गो। सो भाई जैसे कि तुम देख सकते हो आज हमारे पास ये दो स्कॉच है, एक टीचर्स एक ब्लैक एंड व्हाइट। सबसे पहले हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं और उसके बाद टीचर्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे और उसके बाद हम लोग नीट ट्राई करेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में। ब्लैक एंड व्हाइट को बनाया गया है डियागो कंपनी के थ्रू। ठीक है, डियागो कंपनी एक स्कॉटिश कंपनी है जिसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1879 में। ये लॉन्च हुआ 1884 में बाय जेम्स बुचैन। जेम्स बुचैन बोल के एक आदमी ने 1884 में ब्लैक एंड व्हाइट को लॉन्च किया, बनाया इसको। और इसका नाम ब्लैक एंड व्हाइट क्यों पड़ा तुम्हें पता है? क्योंकि जेम्स के पास ऐसे दो स्कॉटिश डॉग्स थे जो कि एक ब्लैक कलर का था एक व्हाइट कलर का था, तो उन्होंने अपनी डॉग्स के थ्रू एक प्यार दिखाने के लिए उन्होंने अपने डॉग्स के ऊपर ही अपना विस्की का नाम रख दिया ब्लैक एंड व्हाइट। इसका अल्कोहल परसेंटेज 42.8% है, लेकिन अगर तुम सेम विस्की ये सेम स्कॉच विस्की अगर तुम स्कॉटलैंड में खरीदोगे तो वहां पे सिर्फ 40% अल्कोहल है। इंडिया में इसका अल्कोहल परसेंटेज थोड़ा सा 2.8% ज्यादा है। ठीक है, इसमें 65 डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल विस्कीज को ब्लेंड किया गया है ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए। इसको 65 डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल विस्कीज को ब्लेंड किया गया है। वेस्ट बंगाल में इसका जो बड़ा बोतल है 750 ml का, उसका प्राइस है 1890 रुपीज, काफी ज्यादा है भाई, ऑलमोस्ट 2000। छोटा बोतल का प्राइस है 500 रुपीज, प्लास्टिक का बोतल है जैसे कि तुम देख सकते हो, लेकिन काफी सुंदर है। ठीक है, बोतल देखने में काफी सुंदर है। भाई अब बात कर रहे थे टीचर्स के बारे में। टीचर्स को बनाया गया है बाय बीम सुंट्रो। बीम सुंट्रो एक स्कॉटिश कंपनी है जो जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1830s के अराउंड हुआ था। उन्होंने टीचर्स को बनाया 1884 के अराउंड। 1884 में टीचर्स लॉन्च हुआ। ये पहला विस्की है जिसमें बहुत सारे सिंगल मॉल्ट विस्की का ब्लेंड किया गया है, बहुत सारे थर्टी डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल मॉल्ट और ग्रेन विस्कीज को ब्लेंड करके टीचर्स को बनाया गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा विस्की है जिसमें इतने सारे सिंगल मॉल्ट को ब्लेंड किया गया है। इसका अल्कोहल परसेंटेज 42.8% है, लेकिन अगर तुम स्कॉटलैंड में यही सेम विस्की अगर तुम खरीदोगे तो वहां पे 40% है। वहां पे अल्कोहल परसेंटेज थोड़ा कम है स्कॉटलैंड में, जबकि इंडिया में 42.8% अल्कोहल इसमें मिक्स है। इसका बड़ा बोतल जो 750 ml का है उसका प्राइस है 1880 रुपीज इन वेस्ट बंगाल में 1880 रुपीज प्राइस है, और छोटा बोतल जो कि 180 ml का है वो है 520 रुपीज, काफी ज्यादा है। दोनों बोतल ही सील है, तो सबसे पहले सील ओपन करते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं, लेट्स गो। सो सील ओपन हो चुका है। अभी जैसे मैं सोच रहा था थोड़ा कि टीचर्स का जो बड़ा बोतल है उसका प्राइस थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन जब छोटा बोतल का बात आ रहा है तब इसका प्राइस सिर्फ 500 रुपीज है और इसका 520 रुपीज है, ऐसा क्यों? लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि इसका बोतल कांच का है और इसका प्लास्टिक का है, इसीलिए इसका बनाने का खर्चा थोड़ा ज़्यादा पड़ता होगा, तो इसीलिए इसमें 20% 20 रुपीज थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लिया गया। तो पोर करते हैं। काफी दिन बाद मैंने ब्लैक एंड व्हाइट और टीचर्स को एक साथ ट्राई कर रहा हूँ यार, कमाल लग रहा है। ओके, कलर में कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी, जरा सा भी डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा, कलर बिल्कुल सेम है और दोनों ही 1884 में लॉन्च किया गया है, तो ठीक है एक ही सेम ईयर में इन दोनों को बनाया गया है। तो पहले नोजिंग कर लेते हैं उसके बाद टेस्ट करेंगे। क्या स्मूथ है, मतलब
जरा भी गंदा स्मेल नहीं, कोई गंदा फीलिंग ही नहीं, लाइक नाक के सामने एकदम घुसा दो नाक, लेकिन कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय हाय कमाल का सेंट है भाई। इसका सेंट थोड़ा क्रीमी टाइप का है, इसका सेंट में जैसे कोई ऐसा लाइक स्वीटनेस नहीं था, स्मूथ है, ठीक है, वो एक स्कॉच का सेंट है, लेकिन इसमें एक लाइक स्वीटनेस है, एक स्वीट टाइप का, एक मीठापन जैसे सेंट होता है ना वैसे। है कमाल का है। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं क्योंकि नीट नहीं पीना चाहिए, तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं कि टेस्ट खराब हो जाए। और लेट्स सी, सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट, चीयर्स। नेक्स्ट लेवल स्कॉच में वो जो वुड और लेदर का सेंट आता है ना, वो कमाल का है भाई। इसमें लाइक कितने सारे डिफरेंट विस्की मिक्स्ड है, ठीक है, तो 65 डिफरेंट काइंड ऑफ विस्कीज को ब्लेंड किया गया, तो और इसमें 30, इसमें कहाँ कम है, लेकिन इसमें सिंगल मॉल्ट विस्की का यूज हुआ है, बहुत ज्यादा सिंगल मॉल्ट विस्की का, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं। भाई बहुत बड़ा डिफरेंट है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, लाइक मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों ही स्कॉच है, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा लाइक हाई क्वालिटी में कह सकता हूँ, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। टीचर्स का जो टेस्ट है ना, वो एक्चुअली स्कॉच का जो फीलिंग है, एक सिंगल मॉल्ट का जो फीलिंग है, अगर तुमने सिंगल मॉल्ट कभी ट्राई किया है तो तुमको पता ही होगा वो कितना स्मूथ होता है, मतलब इतना स्मूथ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि गले से कुछ गया, और कोई हैंगओवर नहीं, कोई गंदा फीलिंग नहीं। आए है आफ्टर टेस्ट में वो फूड का वो सेंट, भाई इसको पीने के बाद ना ये उतना अच्छा नहीं लग रहा जेन्युइनली, लाइक मुझे टीचर्स काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा लाइक लवली है, ब्लैक एंड व्हाइट से ज्यादा अच्छा है यार। तो मैं टीचर्स को ज्यादा मार्क्स देना चाहूंगा, 9 out of 10, और ये बुरा नहीं है लेकिन टीचर्स के सामने उतना अभी अच्छा भी नहीं है, 7 out of 10। भाई स्कॉच विस्की और कोका कोला के साथ पैक ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए सबसे पहला शॉट्स हम लोग बनाएंगे कोका कोला के साथ। लेट्स गो। कोका कोला, ओहो तो सबसे पहले टीचर्स कमाल का है, अभी भी इसका टेस्ट बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है और कमाल का टेस्ट आ रहा है, लवली। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का जो टेस्ट है ना वो काफी मिक्स हो चुका है कोका कोला के साथ, उतना क्लियरली इसका टेस्ट समझ में नहीं आ रहा, और थोड़ा सा कोक में डाल देता तो शायद कुछ समझ में भी नहीं आता, ये बहुत इजीली ब्लेंड हो चुका है, लेकिन टीचर्स उतना इजीली ब्लेंड नहीं हुआ था, ठीक है, वो उसका अपना टेस्ट छोड़ा नहीं है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें भी मैं कहूँगा टीचर्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो टीचर्स फिर से 9 out of 10, इसे 8 out of 10। भाई लास्ट कॉकटेल ऑफ द डे हम लोग स्प्राइट के साथ बनाएंगे क्योंकि स्प्राइट मेरा फेवरेट है और मेरे कुछ सब्सक्राइबर का फेवरेट है, तो लेट्स गो। भाई दोनों ही काफी कमाल के स्कॉच विस्की है, लेकिन मुझे ज़्यादा टीचर्स अच्छा लग रहा है अभी तक, तो टीचर्स ही लाइक जब मैंने नीट ट्राई किया वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था और काफ़ी लाइक एक डिफरेंट फीलिंग था, ठीक है, इसमें नॉर्मल स्कॉच विस्की का फीलिंग आ रहा था लेकिन इसका फीलिंग ही अलग है, ठीक है, इसका फीलिंग बिल्कुल अलग है, वो सिंगल मॉल्ट विस्की का ब्लेंड वो अब उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा कर चुका है, ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा टीचर्स,
जेन्युइनली मैं अब नेक्स्ट टाइम होगा ना तो मैं तो टीचर्स में ही जा रहा हूँ, अगर मुझे ऑप्शन मिलेगी ब्लैक एंड व्हाइट या टीचर्स तो मैं तो टीचर्स में जा रहा हूँ। स्प्राइट, लेट्स गो। सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट, नाइस। इसमें भी सेम। एक्चुअली मैं तुम लोगों को सच बताऊं, मैंने थोड़ा देर बाद नोटिस किया कि इसमें मैंने ज्यादा स्प्राइट डाल दिया था, लेकिन फिर भी इसका सेंट बिल्कुल नहीं गया। टीचर्स का सेंट और सेंसर का टेस्ट वैसे का वैसा ही रहा। ज्यादा स्प्राइट पोर करने के बाद भी उसने अपना उसने अपने टेस्ट को छोड़ा नहीं, जबकि इसमें ये काफी इजिली ब्लेंड हो गया स्प्राइट के साथ। सिंपली समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कुछ है, कुछ स्कॉच है इसमें। टेस्ट अभी भी क्लियरली समझ में आ रहा। फिर से जीता यार ये, इसको तो मैं 10 out of 10, इसे 8 out of 10। सो भाई आज के लिए इतना था, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो तुमको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन में तो मैं कहूँगा कि टीचर्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ब्लैक एंड वाइट से, और दोनों ही ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, और इसको 65 डिफरेंट सिंगल विस्कीज के साथ ब्लेंड किया गया, और इसको 30 डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल मॉल्ट और ग्रेन विस्कीज के साथ ब्लेंड किया गया। दोनों ही 1884 के विस्कीज है, तो काफ़ी पुराना विस्की है, तो ऑलमोस्ट 150 ईयर्स वैसे ही कुछ समथिंग है, लेकिन दोनों ही महंगा भी है, ठीक है, काफ़ी महंगा है, तो तुम्हारे पास पैसा भी अच्छा खासा होना चाहिए दोनों को अफोर्ड करने के लिए। लेकिन मैं आज कहूँगा कि मुझे टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगा, काफ़ी टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। इसका टेस्ट ठीक ठाक था, लेकिन टीचर्स के अराउंड कुछ भी नहीं था। टीचर्स लवली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, और कमेंट करना मत भूलना कि तुम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हो, ज़रूर करना कमेंट।